मतदान की बाग कवरेज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं राजेंद्र देव और मेरे दो सहयोगी लगातार यहां स्टूडियो से भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं और उन्हीं खास तस्वीरों में से कुछ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बिजनौर में बुजुर्ग भी मतदान कर रहे हैं, तस्वीरें हमें मिली हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बड़ी तादाद में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं बुजुर्ग मतदाता। और दूसरी तस्वीर बरेली की है, यहां पर ठेले पर वोट डालने पहुंची बुजुर्ग महिला। तीसरी तस्वीर बदायूं के पिंक पोलिंग स्टेशन की है, यहां की व्यवस्था से मतदाता बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। चौथी तस्वीर भी बदायूं की है, यहां पर मुस्लिम महिला वोटर्स बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल हो रही हैं। चार तस्वीरें मतदान की और मतदाताओं के उत्साह की चार अलग अलग स्थानों से। और फिर से आपकी स्क्रीन पर देखिए आप छह तस्वीरें, शाहजहांपुर, संभल, बिजनौर, बदायूं, सब जगह से। शाहजहांपुर सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने वोट डाला है। बदायूं से मौजूदा विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने सुबह सुबह मताधिकार का इस्तेमाल किया। संभल से राजेश सिंघल ने वोट डाला। बिजनौर सदर से मौजूदा विधायक सुची चौधरी ने वोट डाला। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया भी वोट डालने पहुंचे बिजनौर में। सहारनपुर से धर्म सिंह सैनी ने भी अपना मतदान किया है। और चलते हैं अब शाहजहांपुर। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं, वहां पर उनके साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी, उनसे बात करेंगे। शैलेश क्या कह रहे हैं? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस समय हम लोग शाहजहांपुर नगर की विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर बलिया रोजा का जो बूथ है वहाँ पर है और इस समय यहाँ के जो डीएम है उमेश प्रताप सिंह जी, यहाँ के कप्तान, सभी लोग आए हुए हैं, लगातार निरीक्षण पर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर क्षेत्र में, सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। बात करेंगे सीधे डीएम साहब से। सर, जानना चाहेंगे अभी तक कई जगह आप निरीक्षण करके आए, क्या स्थिति देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्या कहेंगे शाहजहांपुर के? वोटिंग परसेंटेज हमारा ठीक है, अभी तक 23% है 11 बजे तक, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, मौसम भी साफ है, लोग निकाल रहे हैं। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, कहीं कहीं वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की, वो सब रिप्लेस करा दी गई, 4-5 जहाँ इशू आया था। इस समय कोई इशू नहीं, सब निर्विघ्न और अच्छे से चल रहा है। सुरक्षा के लिए जो वेबकास्ट की व्यवस्था की गई थी ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसको लेकर किस तरह से अभी देख रहे हैं? वेबकास्ट हम लोग 1322 बूथों पर करा रहे हैं, वो सब चल रही हैं, और इसी तरह क्रिटिकल बूथ हमारे 252 थे, उस पर भी वीडियोग्राफी हो रही है। 100% हमारा कवर है, सभी जहां माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं। सर, अगर बात करें जो वोटिंग परसेंटेज है 23% के आसपास, जैसा अभी आपने बताया, जो आंकड़े भी हैं पहले से काफ़ी बेहतर भी दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो घरों से बाहर निकले हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे? ये अपील है कि वो निकले। हम लोग साल भर से ये चुनावी व्यवस्था तैयारी चल रही थी, वोटर स्लिप और वोटर गाइड भी बांटा गया है और लगातार माननीय चुनाव आयोग ने इस पर काम किया, हम लोगों से भी काम हुआ है जिले स्तर पे, तो उस जो मेहनत हुई है हम लोगों की, उसका परिणाम यही कि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, सारी व्यवस्था उन्हीं के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यही अपील है हमारी। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो काफी आपके साथ लोग चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, अगर हम अलग अलग बूथ के ठीक हिसाब से देखें, ठीक है शैलेश, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए किस तरह? शैलेश ठीक है, आपने जिलाधिकारी से बात की और वो जो दावा कर रहे हैं जिस तरह से पोलिंग चल रही है हमारे दर्शकों ने देखा। अब हम दूसरे सहयोगियों के पास चलेंगे, उनके पास जाने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जिलेवार जो वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है वो भी आप मेरे दाहिनी ओर देख पा रहे हैं, और इसके अलावा बाईं ओर उत्तराखंड के जिलों से जो मतदान फीसद हमें प्राप्त हो रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। अब हम चलेंगे संभल, बलराम पांडे के पास। संभल में क्या चल रहा है बलराम हमें बताएंगे भी और जाहिर सी बात है दिखाएंगे भी। बलराम, बिल्कुल राजेंद्र, संभल में सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बूथ नंबर 327 पे मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी वर्ग के लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बनकर बाहर निकले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप लोग मतदान कर रहे हैं इस बार? भाई, विकास जो सरकार चल रही है उसने कुछ किया ही नहीं है अभी तक, तो यह है कि अखिलेश जी आ जाएं तो कुछ बात बन। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बार कौन से मुद्दे हावी हैं आप लोगों के चुनाव में? ठीक है, ठीक है बलराम, बलराम आप बात कर रहे हैं, हमको समझ में आ गया कि मुद्दे क्या है वहाँ पर। अवधेश के पास चलेंगे, हरिद्वार, और वहाँ के मतदान का हाल जानेंगे। अवधेश, डालने आया हूँ, अब यहाँ डालूंगा। और आपका पूरा परिवार भी यहाँ मौजूद है, सपरिवार वोटिंग करेंगे? सब परिवार के साथ अब वोटिंग करने जाऊंगा मैं। मदन जी, जिस तरीके से मेहनत लगातार चल रही है,
कितना आपने समर्थन देखा और कितनी उम्मीदें हैं आप? आप पता करिए, वो तो शहर में जब आप पता करेंगे आपको आइडिया लगेगा। मुझे तो पूरा आशीर्वाद जनता का नजर आ रहा है। जनता ने क्या आपसे प्रतिक्रिया दी है और विजन अब अगले 5 साल का क्या रहेगा? जनता अपना भाई परिवार का सदस्य मानती है और मैं प्रयास करता हूँ कि उनके द्वारा जो भी कुछ एक अपेक्षा रहती है विकास की दृष्टि में पूरी करता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संत और सियासतदान की ये लड़ाई है, तो इस पर क्या कहेंगे? संत पूजनीय है, संतों को प्रणाम है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे मदद जी आप? बस अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। अब देश हरीश रावत वोट डालने नहीं जा पाए हैं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इस पर उनका कमेंट जरूर लें। जी बिल्कुल, एक कमेंट लेने की कोशिश करते हैं राजेंद्र, लगातार वो बात कर रहे हैं, उनसे हम जरूर कमेंट लेंगे। और इस वक्त देखिए पोलिंग बूथ में पहुंच गए हैं मदन कौशिक, वो इस वक्त अंदर है वोटिंग के लिए जा रहे हैं। जी जी। और जब वो बाहर आएंगे राजेंद्र, तो हम उनसे जरूर इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि हरीश रावत पर वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, तो हरिद्वार की तस्वीरें आपने देखी, अवधेश अभी बात कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से, सपरिवार वो वोट डालने पहुंचे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि कई लोग ये कह रहे हैं कि एक राजनेता और संतों की लड़ाई है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि संतों को प्रणाम, मात्र इतना उत्तर था उनका। और आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, हमें जहां से भी जो भी बड़ी तस्वीर मिल रही है आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुड़की, ये उत्तराखंड में मतदान की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और अपनी स्क्रीन पर भी आप उत्तराखंड में जिलेवार वोटिंग फीसद के आंकड़े देख सकते हैं, किस जिले में कितना वोट हुआ है, कितने प्रतिशत वोट हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी आप देख पा रहे हैं, चार तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर और वोटिंग परसेंटेज भी। रवि खेंदुरा हमारे साथ हैं लालकुआं से, नैनीताल की लालकुआं सीट से जहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर चलेंगे रवि खेंदुरा के पास और उनसे जानेंगे कि वहां पर कितना मतदान हुआ है, कितना उत्साह है और क्या बदला है पिछले कुछ मिनटों में वहां पर मतदान के दौरान। रवि, ऑपरेशन हुआ है जी बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए हमारे साथ इस वक्त जो है जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर मतदान करने आए हैं और ये अपने आप में जो है सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, क्या कहेंगे सबके लिए? जी सबके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरी तरफ से सबके लिए वोट डालना बहुत जरूरी। देखिए बहुत कम कहा है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इस एज में कितनी उम्र है? 80+ की उम्र है और इस उम्र में वो यहाँ पर आई हैं और बोल रही हैं कि सबको वोट डालना ज़रूरी है। इस तरीके की तमाम तस्वीरें हैं, तमाम वर्ग हैं जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वोट डालने की बात कर रही हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान सूरी। आप वोट डालने आई हैं? हाँ जी। किस तरीके से उत्साहित हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं डालने के लिए वोट, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वोट डालने आए अपने देश के लिए। मुद्दे क्या है, इशू क्या है, चूंकि ये युवा हैं, क्या बात है, आप बताइए किस तरीके से उत्साहित हैं, कितने एक्साइटेड हैं आज वोट डालने? अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपना देश मजबूत होगा हम लोगों से। विधानसभा लाल कुआं है, मुद्दे क्या हैं यहाँ, मुद्दों को सोचकर वोट डालने? हमें राष्ट्र मजबूत करना है, बस राष्ट्र मजबूत करना है। इसी तरीके के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर हैं मौजूद, आप बताइए क्या नाम है आपका? लक्षिता सेठी। आप वोट डालने आई हैं, किस तरीके से देखती हैं और क्या सोचकर आई हैं वोट डालने? मेरा यही सोचना है कि बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी इस समय ज़रूरत है हमको, तो जिसमें भी मेरे को लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी को इस वक्त देखते हुए कि कौन हमारे देश को सही लीड कर सकता है, और मैं उसी चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने वोट देने के लिए। युवा भी हैं, क्या लगता है कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है यार, हमारे देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं इसी। एक बार जरूर पूछिए रवि, अभी तक सबने देश की बात की है, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की मजबूती की बात कर रहे हैं, देश की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश जहन में नहीं है इस वक्त, क्योंकि चुनाव विधानसभा का है? बिल्कुल, देखिए तो जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो हम यहाँ पर हैं और हम उनसे फिर से एक बार पूछेंगे। मैम बताइए, अभी तक आप कह रहे हैं राष्ट्र के मुद्दे पर आए हैं बातचीत करने, अभी हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश हित में क्या सोचकर आप आई हैं मतदान करने, क्योंकि सरकार तो उत्तराखंड में बनने जा रही है आपके मत के बाद? सर मुझे इतना मालूम है कि हमारी जो ये मैं तो खुलकर बोलती हूँ बीजेपी है, वो सरकार हमारे देश को अच्छा चलाएगी, इसलिए मैं उनके पक्ष में हूँ, खुलकर बोलती हूँ। ठीक है, मतदाता अपनी बात कह रहा है, आप बताइए। अपनी दलगत पसंद उन्होंने जाहिर कर दी है, उनकी पसंद है, उनके पास राइट है, लेकिन मुद्दे जो है ये देखा जा रहा है कि नेशनल बातें भी वहां पर हो रही है वोटिंग के दौरान। अब हम शैलेश के पास चलेंगे, शैलेश शाहजहांपुर में है और शाहजहांपुर से उनके पास दिखाने के लिए क्या तस्वीर है, आइए जान लेते हैं उन्हीं से। शैलेश बुलाओ, सबको बुलाओ अंदर से, महिलाओं को
जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, इस समय जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, अभी हमने दिखाया किस तरह से यहाँ पर जो डीएम है और यहाँ के कप्तान है वो निरीक्षण के लिए आए थे। ये देखिए पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी वोट डालने के लिए आ रही है, पुरुष भी आ रहे हैं। और यहाँ पर गेट पर आप एक चीज़ देखिए, सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन हाथ से कराया जा रहा है, जिससे क्योंकि कोविड है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और देखिए कुछ महिलाएँ बाहर आती दिख रही, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। मैडम, आप भी वोट डालने हैं? यहाँ पर देखिए ये कुछ लोग हैं जो वोट डाल के, एक महिला निकल रही है, इनसे बात करते हैं हम। मैडम एक मिनट, आपने वोटिंग कर दी पहले कभी वोट किया? फर्स्ट टाइम है। तो बहुत एक्साइटमेंट जी, बहुत एक्साइटमेंट है। किसी पार्टी का नाम हमें नहीं चाहिए, ये जानेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया, क्योंकि पहला वोट था, कुछ सोचा होगा क्यों दे रहे हैं, किसको देंगे? जी काम है, काम दिखता है, जिसका काम अच्छा होगा उसे ही वोट मिलेगा। ओके, काम के नाम पर अगर बात करें तो इश्यूज मेजर आप लोग के लिए इशू है मेन पुअर पीपल, और जो नए यूथ चिल्ड्रेन हैं उनका फ्यूचर जो है वो बेटर हो जाए बस। यहाँ पर कुछ और लोग भी देखिए मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, बात करेंगे। बड़ी संख्या में देखिए उत्साह है और व्यवस्था यहाँ की जो हम फिलहाल बूथ की देख रहे हैं काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लाइन लगाने के लोगों को जरूरत नहीं पड़ रही है, साथ साथ अंदर इस तरह से पूरे इस पोलिंग सेंटर को डिवाइड किया अलग अलग बूथ में। कुछ और देखिए यहाँ पर महिलाएँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ पर जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? ठीक है। महिलाएं वहां पर पहुंची हैं बड़ी संख्या में वोट करने के लिए, अच्छी बात। ये तस्वीरें शाहजहांपुर से आप देख रहे थे और कानपुर देहात से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा के लिए पहुंचे हैं, वहां पर तस्वीरें हमें मिल रही हैं, हम वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको। मुख्यमंत्री योगी जो बोलेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे, उनको सुनाएंगे भी, लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। कानपुर देहात आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल वहां पर अपनी बात कर रहे हैं। ग्रामीण कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री आनंद सिंह जी, अशोक राजपूत जी, संजीव ऋषि जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस मंच पर होगा। आज जब कानपुर देहात की इस धरती पर हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में प्राप्त होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा की ही रूप देवी मुक्ता की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चलना है। 2022 के जब विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान 55 विधानसभा सीटों पर चल रहा है, इससे पूर्व 58 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। हम सब जान रहे हैं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7.5-8 वर्षों के दौरान देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और देश के अंदर समग्र सुरक्षा के लिए जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आज पूरा देश इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और उनके प्रति आज भी जो विश्वास पूरे देश के अंदर है, आजादी के बाद किसी नेता के रूप, किसी राजनेता के प्रति इस प्रकार का जन विश्वास न केवल भारत में बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए ये कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। भाइयों बहनों, 2017 में आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2017 के पहले प्रदेश में जो सुरक्षा के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां थी,
उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दंगों के कारण जिस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा हुआ था और जिस प्रकार की अराजकता का दृश्य 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था, भाइयों बहनों 2017 के बाद आपने देखा होगा आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। 2017 के पहले जो बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, आज वही बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जिस प्रदेश में 2017 के पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले लगातार अव्यवस्था का माहौल होता था, आज भाइयों बहनों 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अब कानपुर में दंगे नहीं होते, बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले व्यापारी सुरक्षित था, बेटियां सुरक्षित थी और बमबाजी बाजारों में होती थी, किसानों पर होती थी, हर राह चलते हुए राहगीरों पर होती थी, 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कांवड़ यात्री जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है, कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों सुरक्षा के इस बेहतर माहौल ने प्रदेश के अंदर निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज इस निवेश के कारण प्रदेश आगे बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को कई गुना रफ्तार से मिला है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक जनपद एक उत्पाद की योजना के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है, लाखों नौजवानों को और परंपरागत उद्यमियों को इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश में पहले भर्तियां निकलती थी और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी और पूरे नौजवान हताश और निराश अपने आप को ये मानते थे कि लगता है अब उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नौकरी नहीं पा पाता था। लेकिन भाइयों बहनों 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वह करके दिखाया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर निवेश और परंपरागत उद्यम में काम करने का जो मौका मिला, भाइयों बहनों उसके परिणाम स्वरूप ने नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60,00,000 लोगों को कार्य मिला है। वर्तमान में हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पहली वेव प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य भारत के अंदर हुआ, आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना हुआ है। एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो मार्गदर्शन दिया, पहले जान है जहान है का संदेश देकर, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने को लेकर, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, अभिनंदन करूंगा मैं आप सबका। 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। भाइयों बहनों
ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपलब्ध कराई है और याद रखना पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन किसी महामारी के साथ ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो जा रहा है। अब याद करिए जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था, तब कहा था तो मुख्यमंत्री योगी संबोधित कर रहे हैं अकबरपुर में, कानपुर देहात के अकबरपुर में चुनावी सभा को, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। हम आपको फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी को लाइव दिखाएंगे।